सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है, मार्गशीर्ष का तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है ब्रह्मा और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलताओं में वृद्धि होगी, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओम विधय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी न करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल न बढ़ाएं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में उग्र वातावरण बना रहेगा। आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ेगा और ईश्वर भक्ति से मन को शांति मिलेगी। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी आप बिल्कुल भी न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। धार्मिक यात्रा पर भी जाने के योग आपके लिए बनते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में धन के व्यय की अधिकता अधिक रहने वाली है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। अनावश्यक खर्च की अधिकता रहेगी, जिस पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक प्रसंग में कहीं बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। रमणीय स्थान पर प्रवास का आनंद आप ले सकेंगे। स्वास्थ्य सुख मिलेगा। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दोपहर के बाद व्यापार के अनुकूल वातावरण से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। कार्य के लिए कहीं बाहर जाने की संभावना भी दिखती है। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अनैतिक कार्यों से बचना होगा। मध्याह्न के बाद अच्छी प्रवृत्तियों के योग आपके लिए बनते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आप बचें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और मनोरंजक प्रवृत्ति से मन प्रसन्न रहेगा। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन एवं वस्त्र आभूषण की खरीदारी आप कर सकते हैं। घर की सजावट में विशेष ध्यान देंगे। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के परिजनों से वाद विवाद और टकरार की संभावना बनती है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े वादे बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर का ईशान कोण आपको समृद्ध बना सकता है और आपको सुख शांति दे सकता है। क्या करना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। अपने घर के ईशान कोण के उत्तर पूर्व के कोने के, जिसको ईशान कोण के बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जो होता है, उसके वास्तु दोष को दूर करके आप घर में सुख शांति के साथ साथ धन ऐश्वर्य और सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपको ईशान कोण को किस तरीके से स्वच्छ रखना चाहिए, किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, वहां क्या हो क्या नहीं हो, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ईशान कोण से जुड़ा हुआ ये उपाय। आज अपने घर के वास्तु के बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि वास्तु सम्मत घर सुख समृद्धि का कारक होता है।
वास्तु सम्मत घर सभी बनाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनाना चाहते हैं वास्तु के उपाय पर अपना नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका घर या तो पुराना है या वास्तु नियमों के विपरीत बना हुआ है, तो ऐसे में चिंता का विषय है कि शुभ वास्तु आप कैसे अपना सकते हैं। यदि आप वास्तु के सभी नियम ना अपना पाएं तो कम से कम ईशान कोण का सही तरीके से प्रबंधन कर लेना चाहिए, तो बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और रुके हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं, खर्चों में कमी आती है, रोग पर और धन पर, जो धन जो अचानक खर्च होता है रोग पर उसमें जो है नियंत्रण हो जाता है। जीवन में धन लाभ से आर्थिक तंगी दूर होने लगती है, जीवन में छाया मंदा और अंधेरा छटने लगता है। ईशान कोण के प्रबंधन के लिए आज आपको कुछ वास्तु टिप्स बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इसको अमल में लाइए। पहला उपाय यह है, या पहला सुझाव कह सकते हैं, कि पूजा सिर्फ ईशान कोण में ही करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा सदैव उत्तर पूर्व या ईशान कोण की ओर मुख करके ही करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि तीनों ही प्राप्त होते हैं और मन में शांति सदैव बरकरार रहती है। दूसरा सुझाव यह है कि ईशान कोण को सदैव साफ सुथरा रखें। जैसे रोज आप अपने शरीर को, अपने चेहरे को साफ करते हैं, वैसे ही ईशान कोण को चमका करके साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक कमरे का ईशान कोण हल्का, खाली और साफ रखने से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों आपको प्राप्त होती है। चौथा यह है कि ईशान कोण में शौचालय, सीढ़ियां और स्टोर नहीं होनी चाहिए, और यदि है तो इनकी जगह आपको तत्काल बदलने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा सुझाव यह है कि किचन में पानी की स्थापना ईशान कोण या फिर उत्तर की ओर ही करनी चाहिए। छठा सुझाव यह है कि घर में मुख देखने वाला शीशा सदैव उत्तर पूर्व या उत्तर में या उत्तर पूर्व के कोने में, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो या नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दीवार पर शीशा आपको नहीं लगाना चाहिए, अनलेस एंटिल वो जो हम लोग वास्तु के उपाय के लिए बताते हैं उसके अलावा अगर कोई और होता है तो। किचन में भी रात को जूठे बर्तन न रखें, यदि रखेंगे तो आर्थिक तंगी व धन प्राप्ति में बाधाएं आएंगी या विलंब आएगा। आठवां सुझाव यह है कि उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन तंत्र यानी हाजमा ठीक रहता है और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम बना रहता है। नौवां सुझाव यह है कि ईशान कोण में झाड़ू पोछा डस्टबिन आपको नहीं रखना चाहिए। दसवां सुझाव यह है कि ईशान कोण सदैव साफ रखें और प्रत्येक कमरे को साफ रखना चाहिए। खाली रखने मात्र से घर में धन, सुख व शांति आने लगती है। खाली ईशान कोण को साफ सुथरा और खाली रखेंगे आप तो उससे आपको शांति मिलेगी और घर में धन की बरकत होगी। ग्यारहवां सुझाव यह है कि किचन में गैस सदैव दक्षिण पूर्व के कोने में रख करके पूर्व दिशा की ओर आप रखिए। ईस्ट फेसिंग आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए और साउथ ईस्ट में आप अपने गैस की स्थापना करें। यदि स्लैब नहीं है तो वहाँ कोई टेबल या मेज वगैरह रख करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गृह क्लेश में कमी आती है और परस्पर वैचारिक मतभेद कम होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी,
शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।